हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। आप लोगों के लिए ये सीरीज है काफी अच्छी लग रही है और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया इस वीडियो पर, तो उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। इसका जो पार्ट नंबर जीरो ही है, इसका पार्ट नंबर जीरो का आपको समझ लीजिए पार्ट बी है। ओके, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं जब मैं ये वाली वीडियो ले रहा था तो बीच में हम नया माइक लेकर के आए थे और उस नए माइक में मैंने सोचा कि बैटरी तो एकदम फुली दिए होंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा कर दिया उन्होंने। वो बैटरी थी वो डाउन थी, थोड़ी देर चली थी 45 मिनट तक, फिर वो बैटरी डाउन हो गई थी, जिस वजह से माइक में आवाज नहीं आई थी। वीडियो तो पूरी रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन लास्ट में लगभग में 15 मिनट की वीडियो थी वो वहां पर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ओके, तो इसीलिए पार्ट नंबर जीरो का ही, जहां से हमने स्किप कर दिया था, हम आपको पढ़ा रहे थे अफ्रीका के बारे में, वहां से ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे और सारी चीजों को बारे में बताएंगे। वैसे कल हमने इसके बारे में बता दिया था कि विश्व में कितने देश हैं, लेकिन वो वहां पर आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, आज हम दोबारा से देखेंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोगों के लिए बताएंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग 20-25 मिनट ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। और इसी तरह से इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और अपना सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मैपिंग की हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज को, और ये सीरीज हमेशा कंटिन्यू रहने वाली है। आप इसको डेली, यानी कि डेली तो नहीं, संडे को छोड़ करके जो 6 दिन होते हैं हफ्ते में, आपको शाम को 3 बजे 3 PM पर आप लोग आएंगे तो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो ये प्रीमियर वीडियो के रूप में चला करेगी। तो जो हमारे क्लब मेंबर हैं, जो हमारी ऐप पर एडमिशन ले चुके हैं, वो तो सभी लोगों को देखना नेसेसरी है, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इसको देख करके आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए इंटीग्रेटेड स्टडी भी कराई जाएगी, मैपिंग के थ्रू आप लोग कैसे अपना बर्डन कम कर सकते हैं, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग कम अफोर्ट लगा करके स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो मैपिंग के थ्रू आप लोगों के लिए स्मार्ट स्टडी करना सिखाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। तो देखिए, कल हमने आपसे पूछा था कि विश्व में कितने देश हैं, और अगर हम बात करें तो सबसे नया जो स्वतंत्र और संप्रभु देश बना है वो कौन सा है, तो अफ्रीका में ही वो देश देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर ही अभी आप लोगों को जस्ट अभी बताएंगे। इसके अलावा यूएन में कितने देश हैं, ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्टार्ट करते हैं और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे। तो देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप को भी आपको बनाना सिखाएंगे। लगभग में आप लोग 8 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में पूरा वर्ल्ड मैप इस तरह से ड्रॉ कर दिया करेंगे। आप लोगों के लिए ट्रिक बताएंगे किस तरह से आप लोग बना सकते हैं, आंख बंद करके भी बनाना सीख जाएंगे। ओके, तो देखिए, आप लोगों को मैं आपको बताया था कि जो अगर हम क्रम की बात करें कि हमारे पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इस पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, तो मैं आपको बताया था 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक रिसर्च के अनुसार 8वां महाद्वीप एक और आ गया है, जीलैंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया के आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्रम भी यहाँ से आप लोगों के लिए याद हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कौन सा था, एशिया। एशिया के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी एशिया की मैपिंग नहीं कराई है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको सिर्फ बताए हैं। मैपिंग आपकी पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट होगी। ये पार्ट नंबर कौन सा है, मैपिंग का 0 है, और जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं जिससे किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना आए। तो देखिए, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया है वो ओवरऑल जो एरिया यहाँ पर कवर करती है वो लगभग में 30% कवर करती है, और यहाँ पर कितने देश हैं, तो एशिया में आपको लगभग में 50 देश देखने को मिलेंगे। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन देशों की संख्या के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा देश इसी महाद्वीप पर पाए जाते हैं, आपको 55 देश देखने को मिलेंगे, और इसी के बारे में भी हम लोग विस्तार में बात करेंगे। और यहाँ पर ही इसी महाद्वीप में सबसे नया जो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र नया बना है वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आपको यहाँ पर उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा, और उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर आपको 23 देश लगभग में देखने को मिलेंगे, और उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं पाई जाती है, इसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा चौथे नंबर पर अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दक्षिणी अमेरिका आता है, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 11.8% एरिया कवर करता है, लगभग में 12% एरिया कवर करता है। इसके अलावा अगर हम देशों की संख्या की बात करें तो इसमें 12 देश आते हैं, और 3 है इसमें आपको टेरिटरीज भी देखने को मिलेंगे। टेरिटरीज का मतलब होता है दूसरे देशों का जिन पर नियंत्रण होता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पे आता है, और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है पृथ्वी पर जो आबादी विहीन है, यहाँ पर आबादी नहीं पाई जाती, बस शोध संस्थाएं आपको कुछ देखने को मिलेंगी। भारत की भी अभी
300 संस्थाएं थी जिसमें से एक तो बंद हो गई अभी रिसेंटली, दो अभी कार्यरत हैं जिनके बारे में अभी हम बताएंगे सब विस्तार में आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे सोएत महाद्वीप भी बोला जाता है। सोएत महाद्वीप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से इसको सोएत महाद्वीप भी बोलते हैं या फिर इसको गतिशील महाद्वीप भी बोला जाता है। सारी चीजें अभी आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें छठे नंबर पर यूरोप आता है, 6.5% एरिया कवर करता है और इसमें 44 देश आपको देखने को मिलेंगे लगभग में। और देखिए यूरोप और एशिया है ये दोनों देखिए जुड़े हुए हैं, यूराल पर्वत ही इसको डिवाइड करती है। तो यहाँ पर आपको 5 ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो कॉमन देश हैं, जो यूरोप में भी आते हैं और आपको देखने को मिलेंगे एशिया में भी आते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें 7वें नंबर पर जो महाद्वीप है जो आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 5.2% इसका क्षेत्र विस्तार देखने को मिलेगा और इसमें 14 देश लगभग में आते हैं। ओके, और इसी तरह से जीलैंडिया आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन जीलैंडिया एक ऐसा महाद्वीप है जो अभी जो समुद्र तल है ना उससे नीचे है, मतलब पानी के नीचे है, लेकिन अभी उसको रिसेंटली रिसर्च के अनुसार माना गया है कि वो 8वां महाद्वीप है। ओके, और वो सबसे छोटा भी है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है तो कौन सा है, जीलैंडिया है। अगर जीलैंडिया ऑप्शन में नहीं दिया रखा है तो ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑप्शन में दिया रखा है तो ऑस्ट्रेलिया आप लोगों के लिए लगाना है। जैसा अगर आप लोग देखेंगे उसी अनुसार आप लोगों को जवाब भी देना है। अगर हम महासागरों की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर पाए जाते हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं जिसमें एक प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, इसी में रिंग ऑफ फायर कल हम आप लोगों के लिए पढ़ाए थे। इसके अलावा हम पढ़ाए थे सबसे गहरा गर्त है वो फिलीपींस के पास में, ये इसी में पाया जाता है। इसके अलावा हम दूसरे नंबर पर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको यहाँ पर अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, इंडियन ओशन जो हमारा ओशन है आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश के नाम पर देखिए इस ओशन का नाम पड़ा, एकमात्र देखिए भारत की कितनी इंपॉर्टेंस है, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम पर पड़ा है, और कोई महासागर का नाम किसी देश पर नहीं पड़ा है। देख सकते हैं भारत है वो कितनी पावर रखता है इस क्षेत्र में। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं सागर के नाम तो आप लोगों ने देखे होंगे लेकिन महासागर का नाम नहीं देखा होगा। इसी तरह से अगर हम 4वें नंबर पे बात करें तो दक्षिणी महासागर आता है, इसके लिए अंटार्कटिका महासागर भी बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 4वें नंबर पर आता है, इधर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से 5वें नंबर पर अंटार्कटिका महासागर आता है। देखिए एशिया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हम आपको कल पढ़ा दिए थे, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे सबसे लंबी रेल मार्ग कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। आपको सबसे बड़ा देश है जो वो भी यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या 60% अकेले एशिया में ही पाई जाती है, क्योंकि भारत भारत चीन और इधर आपको पाकिस्तान बांग्लादेश ये देश ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, जनसंख्या बहुत है इन लोगों की। तो इस वजह से एशिया ना केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है बल्कि हम आपको बताए थे जनसंख्या की दृष्टि से अकेले 60% जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, और जहाँ हम लोग रहते हैं तो इस मामले में तो हम लोग पीछे नहीं रह सकते। ओके, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे फिर इसमें बहुत सारे तथ्य बताए थे, पार्ट नंबर 0 में जाकर के आप लोग देख लीजिए इन सारी चीजों को, मैंने सविस्तार में हम पढ़ाए पार्ट नंबर 0 में। ये पार्ट नंबर 0 का ही आपको पार्ट बी देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर माइक क्या हो गया था, खराब हो गया था, धोखा हो गया था आपके आंसर के साथ में। तो देखिए अभी हम देखने जा रहे हैं अफ्रीका के बारे में, देखने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप है इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करिए। तो अफ्रीका महाद्वीप है इसके लिए अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। देखिए बीच में जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहे थे यहाँ पर ही ब्रेक किया था, तो जहां से हम लोगों ने ब्रेक किया था वहां से ही हम लोग रिस्टार्ट भी कर देते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, अफ्रीका आता है, कौन आता है, अफ्रीका आता है। देखिए अफ्रीका है इसके लिए अंध महाद्वीप भी बोला जाता है, अंध महाद्वीप। ओके, अंध महाद्वीप क्यों बोला जाता है, देखिए जो अफ्रीका है आप लोग जानते हैं सामाजिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो एक काफी पिछड़ा हुआ महाद्वीप देखने को मिलेगा। यहाँ पर गरीबी आप लोगों ने देखा होगा कभी मूवियों में या फिर टीवी में, तो वो जो अफ्रीकी लोग हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं अपना। ओके, और अधिकांश आपको जनजातीय प्रदेश भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्लाइमेट की मार इनको सहनी पड़ती है और दूसरा इनका शोषण भी सबसे ज्यादा हुआ है, संसाधनों का आर्थिक दोहन ज्यादा होने की वजह से बेचारे यहाँ के स्थानीय जनजाति थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खाने पाई जाती है। अफ्रीका है आपको देखने को मिलेगा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ देखने को मिलेगी अफ्रीका में, लेकिन गरीबी भी कहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर खनिज भंडार बहुत ज्यादा पाया जाता है लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर गर्मी उर्मी भी बहुत पड़ती है, यहाँ पर डेजर्ट इतना बड़ा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी चीजों के बारे में सविस्तार बात करते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई इसे अंध महाद्वीप क्यों बोला जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर
आर्थिक भाग आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक पिछड़ापन काफी पाया जाता है। सामाजिक पिछड़ेपन, पिछड़ेपन की वजह से इसको अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा एकमात्र अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों जो प्रमुख अक्षांश की रेखाएं हैं, जो विषुवत रेखा देखने को मिलेगी, कर्क रेखा देखने को मिलेगी, मकर रेखा देखने को मिलेगी, ये तीनों रेखाएं एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के गुजरती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अफ्रीका। तो लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखने को मिलेगा एकमात्र, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों तीनों अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं रेखाएं गुजरती हैं। तो कौन कौन सी? तो लिख लीजिए, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा आपको देखने को मिलेगी, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 23 डिग्री, 23.5 डिग्री है जो नॉर्थ साउथ दोनों में, तो जो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी उसे कर्क रेखा बोलते हैं, और जो आपको साउथ में देखने को मिलेगी उसको मकर रेखा बोलते हैं। तो दोनों एक ही साथ हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे तो आप लोग बड़े स्मार्ट हैं, सब कुछ आप लोग जानते होंगे। ओके, तो कर्क रेखा मकर रेखा दोनों एक साथ में लिख दिए क्योंकि नॉर्थ साउथ हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, इसी वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि एकमात्र यहाँ पर एक ऐसी नदी देखने को मिलेगी जो कांगो रिवर है, जिसका नाम, जो जो विषुवत रेखा है उसको 2 बार काटती है। एक ही नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपको पढ़ाएंगे भी मैपिंग पर, अभी तो आपको तथ्य लिखा रहे हैं। अभी मैपिंग स्टार्ट कहाँ किया? पार्ट नंबर 1 से आपका मैपिंग स्टार्ट होगा, जिसमें एकदम स्वीकेंस ऐसे मजा आएगा हम लोगों के लिए। एटलस एटलस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों के लिए। अगर हम बात करें कांगो रिवर की, ओके, जो कांगो नदी है, ओके, वो 2 बार विषुवत रेखा काटती है, 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। ओके, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी जो नदी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी अफ्रीका में। इसका उद्गम केंद्र कहाँ है आप लोगों के लिए बताना है, कौन सी नदी है उसका नाम भी आप लोगों के लिए बताना है। वैसे कल तो आप लोगों के लिए पढ़ाए थे, आप लोगों ने पढ़ा भी हो क्योंकि यहाँ तक तो माइक ठीक चल रहा था। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें इसके आगे तो सबसे गर्म, इस महाद्वीप में आपको सबसे गर्म स्थान देखने को मिलेगा जहां पर अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, वो आपको देखने को मिलेगा अलजीजिया। इस नाम को ध्यान रखिएगा, अलजीजिया, अलजीजिया जो कहाँ पड़ता है, जो लीबिया में पड़ता है। ओके, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 58 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया था। ये टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया गया था तो आपको देखने को मिलेगा 13 सितंबर 2012 को। देखिए 13 सितंबर, पूरी डेट नहीं ध्यान रखनी है, 2012 ध्यान है, बस मोर देन सफिशियंट है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलजीजिया कहाँ पड़ेगा? लीबिया में पड़ेगा। आप लोग लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह का थोड़ा सा अभाव है। देखिए अगर आप लोग इसको नहीं लिख पाते हैं, थोड़ा सा छूट जाता है, हम स्लाइड चेंज कर देते हैं, तो तनाव मुक्त रहे हैं, परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आप मैसेज कर दीजिए, सर हमको जो मैपिंग की क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ दे दीजिए, तो ये सेंड कर दी जाएगी। जो अभी लिख रहे हैं ये सब मिल जाएंगे आपके लिए। इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं तो एक प्यारा सा अपना कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो वहां से भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ओके, तो क्लब है वो आपके साथ हमेशा है। ओके, तो अगर हम इसके अलावा बात करें, कौन सा नंबर था ये? 4th नंबर था। चलिए हम लोग देखते हैं 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान, सबसे बड़ी जो हीरे की खान है, हीरे की जो खान है वो कहाँ देखने को मिलेगी? अफ्रीका महाद्वीप में ही आपको देखने को मिलेगी। ओके, जो कहाँ है? किमरेले की खान आपको देखने को मिलेगी। देखिए नीचे लिख देते हैं, हमारे पास में जगह नहीं है। ओके, किमरेले की खान। ओके, ये कहाँ पड़ती है? ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। ओके,
इसके अलावा अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो आपको सबसे बड़ा अभी तक का जो हीरा मिला है वो अफ्रीका में ही मिला है, प्रीमियर की खान से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा अभी तक जो मिला है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरा है वो कहाँ मिला है आपको यहीं देखने को मिलेगा। कितने कैरेट के है वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, 3,000 से ज्यादा कैरेट का आपको देखने को मिलेगा। ये कैरेट वैरेट क्या होता है तो इस बात को लड़कियां बहुत अच्छे से समझती होंगी कि हमको गोल्ड है वो हमको 23 कैरेट का चाहिए, 22 कैरेट का चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, एकदम प्योर चाहिए। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो क्या होता है, प्योर होता है वो एकदम। ऐसे हीरे वीरे की जो जवाहरात की बात आती है ना, तो सबसे मन में लड्डू जिसका फूटता है वो गर्ल्स होती है एकदम। वो तो मन में, आप अरे भाई 9 लाख का हार लेना है हमको तो अपने पति देव से, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को लेना है अच्छे से लीजिएगा, भर भर के लीजिएगा, इसकी प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ा हीरा है वो कहाँ से मिला है, दक्षिण मतलब अफ्रीका से ही मिला है, जो आपको देखने को मिलेगा प्रीमियर की खान से। ओके, कहाँ से, प्रीमियर की खान से, प्रीमियर की खान से। ओके, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो नाम क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अभी तक का जो सबसे बड़ा हीरा है उसका नाम क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा इसका नाम है वो काली नान हीरा है। काली नान हीरा है जो अभी तक विश्व का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। ओके, तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें आपको पता चल रही हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी आपको महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, मरुस्थल पाया जाता है जो आपको देखने को मिलेगा, सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट या सहारा मरुस्थल, जो 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितने, 84 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर की गोल्डन सिटी पाई जाती है और डायमंड सिटी भी यहीं आपको देखने को मिलेगी, यानी कि स्वर्ण नगरी यहाँ पर पाई जाती है इसी महाद्वीप में। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है इसी में आपको देखने को मिलेगा जो जोहान्सबर्ग है, क्या है, जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग को गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, ओके, या फिर इसके लिए स्वर्ण की नगरी भी बोला जाता है, सोने की नगरी भी बोला जाता है। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में ही जो किमरले है आपको देखने को मिलेगा, ओके, किमरले है यहाँ, इसको बोला जाता है मतलब यहाँ पर हीरो का भंडार पाया जाता है, तो इसीलिए इसको हीरो की नगरी बोला जाता है, हीरो की नगरी। हीरो वो वाला हीरो नहीं, सुपरमैन वाला हीरो या फिर सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, वो हीरो नहीं, हीरा जो होता है, डायमंड होता है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हम तो अगर हीरो बोलेंगे तो लड़कियों के दिमाग में तो वही वाला आएगा, कौन सा वाला, जो डायमंड वाला, क्योंकि उनको इससे ज्यादा प्यार होता है, कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए इसी महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा सबसे नया स्वतंत्र जो देश बना है वो यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो नवा पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है, और जो क्वेश्चन स्टडिंग पूछे थे उसी का जवाब अब आप लोगों के लिए यहाँ पर मिलेगा। देखिए अगर हम विश्व में बात करें तो लगभग में आपको देखने को मिलेगा 250 से भी ज्यादा कंट्री देखने को आपको मिलेंगी, मतलब देश आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी देश हैं वो स्वतंत्र नहीं है, बहुत सारी इसमें जो कंट्री है वो किसी ना किसी के ऊपर अधीन है और वो सारी चीजें फुलफिल नहीं करती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्तमान में कितने देश हैं। देखिए अगर हम पैसे बात करें विश्व में, ध्यान से सुनिएगा, विश्व में अगर हम देशों की बात करें, देशों की बात करें तो आपको 250 से ज्यादा आपको देश देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सभी के लिए देश की मान्यता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिली हुई है। ओके, नहीं मिली हुई है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे अगर हम नामों की बात करें तो आपको 250 से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिपाटी में जिनको मान्यता मिली हुई है वो 196 देश देखने को मिलेंगे। कितने देश देखने को मिलेंगे, 196 देश देखने को मिलेंगे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त है। अब आखिर कोई देश देश कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके भी कुछ आधार होते हैं। वैसे किसी भी देश की कोई सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है, लेकिन इसका एक कन्वेंशन कर करके एक समाधान निकाला गया और उसमें परिभाषित किया गया कि हम एक देश किसको मानेंगे। तो
जिसको मोंटे वीडियो के नाम से भी जानते हैं, मोंटे वीडियो कन्वेंशन हुआ था 1933 में, 1933 में एक कन्वेंशन हुआ था, इसी में परिभाषा दी थी और चार चीजें बताई थी, ये चार आधार होने चाहिए तब हम उसको देश बोलेंगे। तो पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए एक क्या था, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ये नोट करके लिख लेना है ओके। तो देखिए इतने हैं लेकिन इनको सार्वभौमिक मतलब जो स्वीकारता है वो प्राप्त नहीं है ओके। तो देखिए कितने देश हैं जिन्हें प्राप्त है, तो देखिए अगर हम बात करें जो नवा पॉइंट यहाँ से आप लोगों के लिए लिखना है कि अफ्रीका में ही सबसे नया स्वतंत्र देश है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान गणराज्य, सूडान गणराज्य आपको देखने को मिलेगा ओके। देखिए जो दक्षिणी सूडान गणराज्य है इसकी मतलब ये कब आया अस्तित्व, तो आपको देखने को मिलेगा 9 जुलाई 2011 को। देखिए डेट ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बात है, बस थोड़े से बता देते हैं जिससे आप लोगों की कनेक्टिविटी बन सके, कभी अप्रोच की बात आए तो आप लोग आराम से बता सके। तो देखिए विश्व में जो सबसे नया देश अभी बना हुआ है वो कौन सा है, वो दक्षिणी सूडान आपको देखने को मिलेगा ओके। कौन देखने को मिलेगा, दक्षिणी सूडान देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है जिन देशों को, उसमें इसका जो संख्या देखने को मिलेगी 196 देखने को मिलेगी ओके। तो वैसे तो एक दक्षिणी सूडान है वो 196 नंबर का देश बना ओके। लेकिन 196 देश हैं, इन्हें देश माना जाता है ओके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको स्वीकार किया जाता है। लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा इनमें से 196 देशों में से 193 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूएन की सदस्यता ग्रहण की है। यूएन क्या है, एक नेशन का आपको मतलब राष्ट्रों का एक संघ देखने को मिलेगा ओके। क्या देखने को मिलेगा, एक राष्ट्रों का संघ देखने को मिलेगा जिसमें सभी देश हैं वो आकर के हस्ताक्षर करते हैं और उन्हें एक मान्यता मिल जाती है। अगर कोई देश है वो यूएन का सदस्य नहीं है तो क्या उसे देश नहीं माना जाएगा, नहीं तब भी उसको देश माना जाएगा। बस यूएन क्या है, एक आपको ऐसी विश्व की एक ऐसी परिपाटी है जिसमें सभी लोग मिल करके अपने जो हित होते हैं और साथ में विश्व के जो हित होते हैं, सार्वभौमिक हित होते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ पर एक साझा कार्यक्रम होता है जिससे साझा कार्यक्रम के तहत विकास करने की बात की जाती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विवाद होता है तो उसको भी सुलझाने की बात की जाती है यहाँ पर। तो यूएन एक आपको ऐसा नहीं है कि यूएन का अगर कोई सदस्य नहीं है तो वो देश नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो आपको देखने को मिलेगा जो दक्षिणी सूडान है वो आपको 193 नंबर का ओके, 193 नंबर का आपको यूएन का सदस्य देखने को मिलेगा, यूएन का सदस्य देश बना, सदस्य देश बना ओके। ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है, 193 नंबर का यूएन का सदस्य देश बना। लेकिन ऐसे तीन कौन से देश हैं जो यूएन में शामिल नहीं हुए, तो चलिए आपको बता देते हैं उन तीन देशों के बारे में भी, जो तीन ऐसे जो देश हैं, देखिए इसमें से कौन से ऐसे तीन देश हैं जिन्हें यूएन में शामिल नहीं किया गया है या फिर अभी वो यूएन में शामिल नहीं हुए हैं। तो देखिए वो तीन देश आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक आपको ताइवान देखने को मिलेगा, देखिए ताइवान है ये चीन है, पहले आपको ताइवान यूएन का सदस्य देखने को मिलेगा लेकिन जब उसमें चीन शामिल हुआ तो इसको निकलना पड़ा वहां से। ये देखिए ताइवान है, ताइवान कहता है स्वतंत्र देश है लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान क्या है, ये हमारा हिस्सा है, तो यहाँ पर ये विवाद चलता रहता है। तो इन इनमें जो विवाद की वजह से ताइवान है वो यूएन का सदस्य नहीं है अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से आपको फिलिस्तीन देखने को मिलेगा, फिलिस्तीन भी यूएन का सदस्य नहीं है लेकिन वो भी एक स्वतंत्र संप्रभु देश देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, ये दूसरे नंबर का पॉइंट नहीं लगाते हैं, नंबर ही लिख देते हैं ओके, तो ये दूसरे नंबर का। और तीसरे नंबर पर आपको वेटिकन सिटी देखने को मिलेगा, वेटिकन सिटी। देखिए वेटिकन सिटी के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, वेटिकन सिटी है ये इटली में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे इटली में देखने को मिलेगा, सर क्या ये कोई जिला उला है, वेटिकन सिटी एक देश है, स्वतंत्र संप्रभु देश आपको देखने को मिलेगा। वेटिकन सिटी में आपको देखने को मिलेगा 800 से ज्यादा मतलब लोग रहते हैं इसमें। आप कहेंगे सर 800 से ज्यादा तो हमारे यहाँ कुछ लोगों के खानदान में होते हैं, पूरा खानदान बराबर क्या हो गया, एक देश बन गया भाई। भारत में अगर बात की जाए तो 800 लोगों का तो एक खानदान हो जाता है और वो खानदान क्या है, एक देश है। वेटिकन सिटी क्या है, यूरोप में एक ऐसी सिटी है जो लैंडलॉक है, जो इटली में आपको देखने को मिलेगी। और ये एक ऐसी कंट्री है जो एकमात्र
जो आपको यूनेस्को देखने को मिलेगा, यूनेस्को क्या करता है कि किसी साइट के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देता है। अब देखिए जो वेटिकन सिटी है, नेक्स्ट पेज पे लिखाई देते हैं आप लोगों के लिए अच्छे से, वैसे दोबारा से इसके बारे में नहीं पढ़ाना पड़ेगा। वेटिकन, अगर हम वेटिकन सिटी की बात करें, ये क्या है, एक देश देखने को मिलेगा। ओके, ये कहाँ पड़ता है, ये आपको इटली में देखने को मिलेगा। ओके, कहाँ देखने को मिलेगा, इटली में देखने को मिलेगा। इसमें कितनी आबादी है, अभी वैसे 800 के करीब में है, लेकिन कुछ डेटा है, रिसेंटली डेटा दिखाता है कि इनकी जो आबादी है वो 1000 के करीब में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 800 से अधिक लोग हैं, 800 से अधिक लोग हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आपको 110 हेक्टेयर इसकी क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, इतना तो हमारे यहाँ एक जमींदार के पास भूमि होती है। यानी कि आपका जो मोहल्ला होता है, मोहल्ले में कम से कम आपको 3 से 4 हजार लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वेटिकन सिटी में 800 लोग ही देखने को मिलेंगे। वेटिकन सिटी में जितने लोग होते हैं ना, उससे ज्यादा यहाँ पर पर्यटक आ जाते हैं। यहाँ पर एक रेल चलती है ना, वो स्थानीय लोगों से ज्यादा यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सोचो 800-1000 लोग हैं और यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं, वो इनसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा संख्या में होते हैं। यानी कि एक ऐसा देश जहां पर उनकी आबादी होती है, उससे ज्यादा वहां पर टूरिस्ट रहते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और कितनी कम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये इटली, इस तरह से आपको इटली अभी आपको दिखाएंगे, देखिए इस तरह से कुछ इटली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है, इसमें जो रोम वाला जो एरिया है वो यहाँ पर ही आपको वेटिकन सिटी देखने को मिलेगा। वेटिकन सिटी एक ऐसी सिटी है जो यूनेस्को ने पूरे देश को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया। वर्ल्ड हेरिटेज वैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हड़प्पा साइड है, तो इनके लिए क्या कर रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। लेकिन विश्व में एक ऐसा देश देखने को मिलेगा जिसे पूरे देश को बोले कि भाई इतना छोटा तो ऑलरेडी है, पूरे देश को क्या कर दो, विश्व विरासत, पूरे देश को, एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जो जिसे पूरे देश को विश्व विरासत विरासत घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। ओके, एकमात्र, पूरे देश को ही बोले कि भैया घोषित कर दो, यहाँ पर देश तो लिखे नहीं, ऐड कर लीजिए, पूरे देश को विश्व विरासत घोषित कर दिया। मतलब बोले कि भाई हमारे यहाँ तो क्या है, बहुत सारी साइटें होती है, बोले कि भाई इसको पूरा देश ही घोषित कर दो। ये सबसे छोटा देश देखने को मिलेगा विश्व में। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपको सबसे छोटा देश देखने को मिलेगा, और साथ में अगर हम यहाँ पर जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो ये विश्व का सबसे छोटा देश देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें तो रशिया है, और अगर हम क्षेत्रफल में सबसे छोटे देश की बात करें तो कौन सा है, वेटिकन सिटी आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चीन सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा बात करें तो कौन सा है, वेटिकन सिटी आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको यहाँ पर वेटिकन सिटी के बारे में बता दिए। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ बता रहे थे। देखिए एक कितना है, 193 नंबर का आपको देश देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए अगर हमने आपसे पूछा विश्व का सबसे नया, ध्यान सुनिएगा, सबसे नया स्वतंत्र देश कौन सा है अफ्रीका में, दक्षिणी सूडान, जो सूडान से अलग होकर के नया देश बना 2011 में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे नया गणराज्य कौन सा देश है, अभी देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा वरना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे नया गणराज्य कौन सा है तो वो आपको देखने को मिलेगा बारबाडोस देखने को मिलेगा। बारबाडोस पहले से ही एक देश था लेकिन गणराज्य नहीं था, तो सबसे नया जो गणराज्य आपको देखने को मिलेगा वो बारबाडोस देखने को मिलेगा। आखिर बारबाडोस था, तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ये आपको अमेरिका देखने को मिलेगा, ये क्या है, इस तरह से अमेरिका बना देते हैं हथकर की खाड़ी, तो आप लोगों को दिख रहा होगा इधर क्या है, पनामा है। अगर नहीं जानते तो परेशान नहीं होना है, आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो देखिए इधर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से ऐसे दक्षिणी अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, देखिए दक्षिणी अमेरिका है तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा कैरेबियन द्वीप समूह है ना, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश देखने को मिलेगा बारबाडोस, क्या है, बारबाडोस आपको देखने को मिलेगा। बारबाडोस है, ये विश्व का सबसे नया गणराज्य है,
सबसे नया गणराज्य। देखिए इसके ऊपर, देखिए गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है देश का प्रमुख होता है वो वंशानुगत ना होकर के बल्कि लोगों के द्वारा चुना जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे गणराज्य। जैसे भारत क्या है, गणराज्य है, क्या है, रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक। ओके तो देखिए बारबाडोस नाम आ गया। यहाँ पर गणराज्य किसे बोलते हैं, जब देश का प्रमुख, देश का जो प्रमुख होता है, देश का प्रमुख कौन है, हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या है, देश के प्रमुख है, जो देश का प्रमुख होता है वो निर्वाचित हो, क्या हो, निर्वाचित हो किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। अगर लोगों के द्वारा जो निर्वाचित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। देखिए बारबाडोस देश तो पहले ही था लेकिन ये गणराज्य नहीं था, इसका जो पहले प्रमुख था वो आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। ब्रिटेन का जो राजा होता था जैसे महारानी, तो वो इस देश का भी प्रमुख होता था। अब इन्होंने कहा, बारबाडोस के लोग थे, इन्होंने कहा ना ना ना, अब हमें अपने देश का जो प्रमुख है ना वो हमें अपना ही चाहिए, अब हम एक गणराज्य देश बनना चाहते हैं भाई, अब हम क्या करेंगे, जो अपना प्रमुख होगा देश का उसे हम स्वयं चुनेंगे भाई। तो बोले कि, तो ब्रिटेन थे वो मान के बोले कि चलो ठीक है, तुम अब अपना चुन लो, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा क्या काम है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा ये सबसे नया गणराज्य देश बन गया विश्व का। ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब क्या है, ये अपने देश का जो प्रमुख होगा इसे खुद से अब ये चुन करके वहां पर लाएंगे, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखिए देश का प्रमुख है, लिख देते हैं यहाँ पर, अगर देश का प्रमुख, देश का प्रमुख है वो निर्वाचित ना होकर के वंशानुगत हो, क्या हो, वंशानुगत हो। वंशानुगत, वंशानुगत का मतलब क्या होता है, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे चलते रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वंशानुगत। तो ऐसे देश की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, राज्यशाही बोलते हैं। मोनार्की सिस्टम होता है हम उसको मोनार्की सिस्टम बोलते हैं, फिर राजशाही के नाम से जानते हैं। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है, एक आपको डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र जो देखने को मिलेगा, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहां की जो महारानी होती है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति चेंज हो जाते हैं ना, राष्ट्रपति क्या, देश के प्रमुख है, लेकिन हमारे यहाँ चेंज हो जाते हैं और वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं हमारे राष्ट्रपति। ओके लेकिन वहां के क्या है, वो महारानी है, हम जब पैदा हुए थे तब भी उनको सुने हैं और आज हम इतने बड़े हो गए तब भी हम उन्हीं को सुनते हैं, वो हो सकता है हमारे बच्चे आ जाएं तब भी वो उन्हीं को सुने, क्योंकि वो अभी 10-20 साल 50 साल तक उनको कुछ नहीं होने वाला है, उनकी एज इतनी ज्यादा हो गई है आपको देखने को मिलेगा, 8-10 पीढ़ियां उनकी गुजर गई है, इंतजार करते करते कि हमको कुर्सी मिलेगी, लेकिन अभी वो जाने का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि अभी तो उनको लगता है 100-150 साल तक जीना है उनको, देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देखने का यहाँ पर नया प्रयास करते हैं। देखिए आपको कुछ चीज बताते हैं, जैसे एक देश है वो देश कब होगा, ये देश की परिभाषा कैसे बन पता चलेगी, देश की कोई सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें एक देश की कि एक देश है वो कौन होगा, एक देश है वो कौन होगा, तो देखिए इसकी, इसको परिभाषित करने के लिए, इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है लेकिन इसको परिभाषित करने के लिए एक एक आपको कन्वेंशन देखने को मिलेगा। कन्वेंशन का मतलब होता है कि लोगों मिले भाई और मिल करके एक सहमति बनाई, वो सहमति बना करके एक लेटर बनाया भाई और बोले हम देश किसे मानेंगे। तो 1933 में आपको मोंटेविडियो कन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, मोंटेविडियो कन्वेंशन हुआ। अब देखिए मोंटेविडियो कन्वेंशन हुआ, इसमें कहा गया कि एक देश को परिभाषित किया गया, एक देश को परिभाषित किया गया, क्या किया गया, परिभाषित किया गया कि हम एक देश किसे मानेंगे, कौन सा, संप्रभु इकाई के रूप में, संप्रभु इकाई के रूप में परिभाषित किया इन्होंने। देखिए इन्होंने कहा कि देखिए हम देश उसे मानेंगे, एक देश उसे माना जाएगा जिसके पास एक स्थाई जनसंख्या हो। अगर किसी के पास स्थाई जनसंख्या है तो उसे हम क्या मानेंगे, एक देश मानेंगे। लेकिन इन्होंने कहा रुको रुको रुको, केवल एक आधार नहीं, जनसंख्या तो भाई किसी की भी हो सकती है, एक जिले की भी अपनी जनसंख्या होती है, लेकिन स्थाई जनसंख्या, इन्होंने कहा एक स्थाई जनसंख्या होनी चाहिए। तो इन्होंने चार आधार प्रस्तुत किए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, चार आधार प्रस्तुत किए, चार आधार प्रस्तुत किए। तो देखते हैं दूसरा आधार क्या बताया, तो इन्होंने कहा दूसरा आधार कि इनकी एक परिभाषित, अगर कोई हम देश उसे बोलेंगे
जिसकी परिभाषित सीमा हो। क्या हो? परिभाषित सीमा। परिभाषित सीमा का मतलब है जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, इनके साथ में एक आपको देखने को मिलेगी ना कि हाँ एक निश्चित सीमा यहाँ पर रहती है। कुछ जगह विवाद है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे ही नहीं पता भाई ये देश की सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ऐसे देश को देश नहीं माना जाएगा, हम देश उसे मानेंगे जिसकी एक परिभाषित सीमा हो कि भाई यहाँ से अभी ये देश स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर बाघा बॉर्डर से इधर आते, कहते हैं पाकिस्तान में, उधर चले जाते तो कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते, इधर आ जाते तो कहाँ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं देखने को मिलेगा। इन्होंने तीसरा आधार बताया कि भाई उसकी एक सरकार होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? उसके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी अगर है तब हम उसे देश मानेंगे। लेकिन चौथा आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा भाई केवल सरकार होने से मतलब नहीं, सरकार तो घर में भी होती है। कहने के लिए पापा की सरकार है, लेकिन चलती किसकी है? मम्मी की चलती है। ओके, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। कहने के लिए कौन है घर का प्रभु, घर का मुखिया कौन? पापा है। लेकिन अब तो राशन कार्ड में भी कौन है, अब तो माता जी को ही बना दिया गया है। लेकिन वास्तव में घर का प्रभु कौन होता है? मम्मी जी होती है। पूछ लेना आप लोग जाकर के आज। ओके, मम्मी अगर खराब मूड में हो तो मत पूछना, वरना जो चप्पल झाड़ू पड़ेगी ना तो ठीक हो जाओगे। लेकिन मम्मी जब अच्छे मूड में हो तब पूछना। मम्मी अच्छा बताओ, घर के जो निर्णय लिए जाते हैं पापा अकेले ले लेते हैं तुमसे? तो मम्मी कहेंगे अरे पापा की ऐसी औकात, हम भी अकेले लेते हैं। बस पापा तो बोलते हैं, वो क्या करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, माध्यम का काम करते हैं, और कुछ नहीं करते। तो देखिए सरकार के अलावा क्या चाहिए? उसके पास पावर भी होनी चाहिए कि वो अन्य दूसरे राज्यों से, मतलब यहाँ पर दूसरे लिख लीजिए, जो दूसरे राज्यों, राज्यों का मतलब क्या है? देश। ओके, दूसरे राज्यों से समझौते भी कर सके, समझौते कर सके, ऐसी सरकार होनी चाहिए भाई। उसके पास ये पावर होनी चाहिए। ऐसी सरकार में तो उसे पावर ही नहीं है कि वो दूसरे राज्यों से समझौता कर सके। अगर किसी देश के पास ये चारों चीजें देखने को मिले तब तो हम उसे एक देश मान सकते हैं। हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो एक देश हो। ओके, वैसे देश की परिभाषाएं हैं अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से दी जाती हैं। ओके, लेकिन आपको मुख्यतः इसके अनुसार आपको यही देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? अभी हम लोग देख चुके हैं एशिया, देख चुके हैं अफ्रीका के बारे में, आपको बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे की ओर। इधर इधर खाली है पीछे। ओके, यहाँ पर ये दिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा आपको डालना है उत्तरी अमेरिका। चलिए उत्तरी अमेरिका के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाते हैं। उत्तरी अमेरिका, देखिए इतने अच्छे से आपको मैपिंग पढ़ाई जा रही है तो आपका लाइक करना बनता है और शेयर भी कीजिए, ज्यादा ज्यादा आप लोगों को शेयर भी करना है। तो देखिए अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका भी बोला जाता है। देखिए उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो इस जो ये शब्द है, जो ये शब्द है ये अमेरिको नामक एक नाभिक था भाई, उसी के नाम पर लिया गया है अमेरिको। ओके, इसके आगे का नाम थोड़ा खतरनाक है, हम भूल जाते हैं इसके नाम के आगे, लेकिन अमेरिको के बाद भी कुछ है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखना। अमेरिको नामक एक नाभिक था, उसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था इसका। ओके, तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी देश लैंड लॉक नहीं है। लैंड लॉक का मतलब होता है स्थल आबद्ध, मतलब यहाँ पर सभी देश हैं वो अपनी तटीय रेखा रखते हैं समुद्र के साथ, यानी कि अपनी सीमा है वो समुद्र के साथ शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। कोई भी देश है वो लैंड लॉक नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे नेपाल क्या है, बेचारा दबा हुआ है चारों तरफ, इधर भारत है उधर चीन है, इसी तरह से आपको भूटान देखने को मिलेगा। क्या है? लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ से घिरी हुई। लेकिन उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है, इस महाद्वीप पर कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं पाई जाती है। तो आपको देखने को मिलेगा इस महाद्वीप पर, इस महाद्वीप पर, द्वीप पर कोई भी लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक्ड देश नहीं पाया जाता है, कंट्री नहीं पाई जाती, देश नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे तो उत्तरी अमेरिका आपको बहुत सा विस्तार बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में दिखा रहे हैं। अभी मैपिंग नहीं स्टार्ट, उबरना कहेंगे सर आप मैपिंग पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी मैप तो आपने समझाया ही नहीं।
अभी मैप पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको लिख लीजिए, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर लिखाया जा रहा है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, अगर हम आकार की दृष्टि से बात करें, आकार की दृष्टि से बात करें तो आपको देखने को मिलेगा ये थर्ड नंबर पर आता है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये आपको चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा, फोर्थ नंबर पर आता है। तो पहले पे कौन आता है, एशिया आता है। ओके, दूसरे पे कौन आता है, दूसरे पर आपको एशिया देखने को मिलेगा, और सॉरी एशिया पहले पर आता है, दूसरा अफ्रीका आता है, और तीसरे नंबर पर आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, ये चौथा नंबर क्यों लिख दिया यहाँ पर? ओके सॉरी, ये चौथे नंबर पर आता है। इसमें देखिए पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एशिया, ओके, दूसरे पर आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका, तीसरे पर आपको देखने को मिलेगा यूरोप, ओके, और चौथे पर आपको देखने को मिलेगा ये उत्तरी अमेरिका। ओके, उत्तरी अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। आकार की दृष्टि से आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिलेगा, और जनसंख्या की दृष्टि से ये महाद्वीप है, ये चौथे नंबर पर आता है। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, ओके, विश्व में यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिखते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में, विश्व में यहाँ पर बहुत बहुत सारी चीजें पाई जाती है जो विश्व में सबसे बड़ी पाई जाती है। तो चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा, मीठे पानी का, लिख लीजिए यहाँ पर, मीठे पानी की जो झील है वो यहाँ पाई जाती है, जिसका नाम है सुपीरियर झील। सुपीरियर, वैसे सुपीरियर झील के बारे में आपको बहुत सारे तथ्य हम आपको पढ़ाएंगे, इनका सारा क्रम भी बताएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी झील है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही पाई जाती है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और सुपीरियर झील है। ओके, तो ये अगर हम मीठे पानी की बात करें तो ये सबसे बड़ी है, लेकिन खारे पानी की बात करें तो कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, आगे अभी आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे। ओके, और आप लोगों के लिए पढ़ाना है, कल वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है, एशिया में पड़ती है, आप लोग बताइए कमेंट करके, वरना आप लोग भूल जाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा देश, पहला रसिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा कनाडा है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कनाडा देश आपको देखने को मिलेगा, कनाडा। ओके, कनाडा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे कौन सा, रसिया है, दूसरे पे कनाडा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो उत्तरी अमेरिका है ना, यहाँ पर ही आपको सबसे बड़ा संग्रहालय विश्व का देखने को मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा, जो कौन सा है, न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क अमेरिकी संग्रहालय के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही देखने को मिलेगा। ओके, विश्व का, यहाँ पर डॉट 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 लाइन लिख देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा आपको राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। ओके, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, इधर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, आपको देखने को मिलेगा वुड बफेलो नेशनल पार्क। ओके, वुड बफेलो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, जो कहाँ का पड़ता है, अल्बर्ट प्रांत में आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। वैसे अभी आप लोगों की इसके बारे में पढ़ाएंगे भी, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये कहाँ पड़ता है, अल्बर्ट प्रांत में पड़ता है। ये अल्बर्ट प्रांत कहाँ पर है, ये आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग सातवें पॉइंट की ओर चलते हैं,
देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन केंद्र की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो सिंथेटिक रबड़ होती है उसका उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जाता है। और सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन के कारण ही विश्व में सबसे ज्यादा जो टायर होते हैं और उच्च गुणवत्ता के साथ जो टायर होते हैं उनका निर्माण उत्तरी अमेरिका में ही किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंथेटिक रबड़ का सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, सिंथेटिक रबड़। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो टायर होते हैं ओके, और उच्च गुणवत्ता के साथ आपको देखने को विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन इसी महाद्वीप पर किया जाता है ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर जो काफी इंपॉर्टेंट है जो विश्व का औद्योगिक क्षेत्र भी जिसको बोला जाता है एक तरह से, वो कौन सा है? मिसिसिपी क्षेत्र देखने को मिलेगा, मिसिसिपी, मिसिसिपी ओके। ये मिसिसिपी है, जो मिसिसिपी है यहाँ पर ता लिख लीजिए ओके, मिसिसिपी है वो आपको देखने को मिलेगा, ये नदी है ओके। तो इस नदी के किनारे आपको बहुत बड़े बड़े भंडार भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर खनिज भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसी रीजन में आयरन स्टील आपको बहुत ज्यादा देखने, आयरन उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल की भी उपलब्धता हो जाती है, कोयला भी यहाँ पर मिल जाता है, और आपको कुछ ही दूरी पर आपको लौह के जो भंडार होते हैं, लौह एक्स के भंडार होते हैं, वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा डेवलप हुई है। और आयरन इंडस्ट्री है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अन्य उद्योगों के लिए एक आधार प्रोवाइड कराती है, एक बेस प्रोवाइड कराती है। तो इसलिए आपको ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिलेगा, विश्व का औद्योगिक क्षेत्र भी इसीलिए इसको बोला जाता है ओके। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हैं, मतलब ये विश्व में तो सबसे बड़े नहीं है लेकिन इस महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस, महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि नियाग्रा फॉल जो विश्व प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगा, जल प्रपात आपको देखने को मिलेगा, कॉमा यहाँ पर सिलिकॉन वैली देखने को मिलेगी। देखिए जो सिलिकॉन वैली है ये बहुत ज्यादा आपको फेमस देखने को मिलेगी आईटी सेक्टर के लिए। और आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है, दक्षिणी भारत में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन नाम आप लोगों के लिए बताना है, आईटी सेक्टर का जो हब होगा उसी को सिलिकॉन वैली बोलते हैं ओके। अगर हम लोग साउथ मूवी देखते होंगे तो आसानी से इसका आंसर भी हम लोग कर देंगे ओके। इसके अलावा देखिए पेरी का मैदान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा देखिए पनामा रिवर है ओके, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उत्तरी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक दूसरे से अलग करती है। इस पनामा रिवर के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे आप लोगों के लिए ओके। इसके अलावा आपको एक बेरिंग संधि देखने को मिलेगी, देखिए बेरिंग जल संधि है वो आपको देखने को मिलेगा एशिया और जो एशिया है और अमेरिका है उसको एक दूसरे से अलग करती है, बेरिंग जल संधि आपको देखने को मिलेगी ओके। तो इन सभी चीजों के बारे में साब विस्तार में आप लोगों के लिए पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग आते हैं दक्षिणी अमेरिका के ऊपर, आते हैं उत्तरी अमेरिका हम लोग देख लिए, अब दक्षिणी अमेरिका भी एक बार देख लें। दक्षिणी अमेरिका है यहाँ पर एक ऐसा द्वीप पाया जाता है, एक ऐसा द्वीप पाया जाता है जो रहस्यमय इतिहास के लिए बहुत ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसी द्वीप पर आपको बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी जिसका इतिहास समझ में नहीं आता है कि ये मूर्तियां किस कालक्रम की हैं और आखिर इन्हें इतनी बड़ी बड़ी इतनी विशाल विशाल मूर्तियां हैं किसने बनाया इतनी विशाल मूर्तियों के लिए ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका अभी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर दक्षिणी अमेरिका की हम लोग अगर बात करें तो देखिए विश्व में सबसे ऊंची चीजें सबसे पहले आपको लिखा देते हैं जो विश्व में सबसे बड़ी है। तो देखिए विश्व में आपको देखने को मिलेगा सबसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी, यहाँ पर लिख लीजिए विश्व की सबसे ओके, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, वो आपको यहीं देखने को मिलेगी ओके। श्रृंखला लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं थी, श्रृंखला ओके। वो कौन सी है? आपको एंडीज देखने को मिलेगी। कौन सी है? एंडीज आपको देखने को मिलेगी, एंडीज पर्वत श्रृंखला।
जो आपको दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी ओर देखने को मिलेगी। जो एंडीज है ना, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये सबसे बड़ी है विश्व की। लेकिन अगर हम बात करें ऊंची की बात करें, इसकी हाइट के अनुसार अगर हम बात करें, तो आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगी। तो देखिए, सेकंड ऊंची है, लिख लीजिए शॉर्ट में, आप लोग समझ जाएंगे। सेकंड ऊंची का मतलब है, अगर हम देखिए, अगर ऊंचाई के अनुसार बात करें तो हिमालय क्या देखने को मिलेगी, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। उसी तरह से दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला विश्व की कौन सी है, एंडीज है। लेकिन लंबाई में अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा एंडीज सबसे बड़ी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका में आपको सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ ही देखने को मिलेगा, माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी इसका नाम ध्यान रखना है। अभी आपको मैपिंग पर भी आप लोगों के लिए दिखाया जाएगा, अभी नहीं, मतलब जब इसका टर्न आएगा तब हम लोग देखेंगे। उत्तरी अमेरिका सबसे पहले कवर करेंगे, फिर दक्षिणी अमेरिका तो मत करेंगे, फिर हम लोग एशिया कवर करेंगे, फिर अफ्रीका कवर करेंगे, फिर यूरोप कवर करेंगे, फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया कवर करेंगे। इस तरह से हम पूरा मैपिंग वर्ल्ड मैप पढ़ लेंगे। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान, ओके, नौकायान है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा, टिटिकाका झील पर। देखिए, जो सबसे ऊंचे नौकायान का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा हाइट पर जहां पर बोटिंग की जाती है, जहां पर नौकाएं चलाई जाती हैं, वो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में ही देखने को मिलेगा, टिटिकाका झील। ओके, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील बताएंगे इसका निर्माण कैसे हुआ, बहुत कुछ विस्तार में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है नदी का, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो नदी का, वो कौन सा है, अमेजन, अमेजन नदी देखने को मिलेगी। अमेजन नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, अमेजन नदी। ये आखिर अपवाह तंत्र क्या होता है, देखिए अगर हम लंबाई की बात करें तो कौन सी है, नील नदी है। लेकिन अगर हम बात करें अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है, मुख्य रिवर है, ये क्या है, मुख्य रिवर है, मुख्य, ओके, मुख्य रिवर है मतलब मुख्य नदी है। अब देखिए, ये मुख्य नदी है, इसमें बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस भी आकर के मिलती होंगी, अब उनकी भी आपको बहुत सारी इस तरह से ब्रांच देखने को मिलेंगी। तो देखिए, ये क्या है, एक क्षेत्र इस तरह से बनेंगे पूरा, ये क्या बनेंगे, इस तरह से पूरा क्षेत्र बनेगी। देखिए, अब ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इस पूरे क्षेत्र को, जितने क्षेत्र को ये अपवाहित कर रही है, इस नदी का, इस मुख्य नदी का क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र। तो ये पूरा रीजन क्या हो गया, अपवाह तंत्र हो गया। तो इस तरह से अमेजन नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। लेकिन नदी की लंबाई की बात करें तो ये हम खींच रहे हैं ना, ये क्या है, नदी की लंबाई है। लेकिन इस नदी के द्वारा जितने क्षेत्र को अपवाहित किया जाता है इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ में, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अपवाह तंत्र समझ गए, इसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। देखिए, आपको एकदम बेसिक से सारी चीजें छोटी छोटी सिखाते हैं, और जो लोग हमसे पढ़ते होंगे ऐप पर, उन लोगों को तो कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से हलवा की तरह सारी चीजें आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर, और ये अमेजन नदी है, अगर हम इसकी लंबाई के अनुसार बात करें तो ये सेकेंड नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर लंबाई के अनुसार है। ओके, देखिए, अपवाह तंत्र के अनुसार ये सबसे बड़ी है, लेकिन लंबाई के अनुसार ये दूसरी है। पहले नंबर पर कौन है, आपको नील नदी देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा झरना है वो कौन सा आपको देखने को मिलेगा, एंजल, एंजल्स फॉल्स, एंजल जलप्रपात भी जिसको बोलते हैं, एक कहां पर है, ये आपको गोयना पठार में देखने को मिलेगा, गोयना पठार में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्या है, विश्व में सबसे ज्यादा, एक चीज और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, उत्पादन की अगर हम बात करें, किसकी उत्पादन की बात करें, तो चिली है वो नाइट्रेट, हमारे पास जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिए, चिली है वो नाइट्रेट का सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। ओके, इसी तरह से कॉफी है, यहाँ पर लिख देते हैं आगे। देखिए, अगर हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन की बात करें तो जो चिली है, चिली है वो विश्व में सबसे ज्यादा नाइट नाइट नाइट्रेट का उत्पादन करती है।
नाइट्रेट का उत्पादन करती है। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा जो ब्राजील है, ब्राजील कॉमा कोलंबिया, कोलंबिया और आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगा, इक्वाडोर है ये आपको देखने को मिलेगा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश देखने को मिलेगा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने देखी। इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में हम आपको लिखाई दे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देश में सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो अभी हम लिखाए। ओके, इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, प्रमुख चीजें आप लोग लिख लीजिए। जैसे इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा आपको सरीसृप देखने को मिलेगा, आपको सांप देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं एनाकोंडा। एनाकोंडा मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवी पसंद करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा एनाकोंडा, जो मतलब 1-2 मीटर नहीं, 10 से 12 मीटर लंबा हो सकता है, 10 से 12 मीटर लंबा हो सकता है, इतना बड़ा। मतलब मीटर की बात कर रहे हैं, फिट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो 1 मीटर कितना होता है, इतना होता है 1 मीटर लगभग में। एक्चुअली हमारा हाथ कट गया हो गया इधर, तो आप लोग बुरे हाथ लगाएंगे तो इतना क्या होगा, 1 मीटर होता है, ऐसे 10-12 मीटर समझ लीजिए कितना होता होगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा प्रमुख तथ्यों की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में ही रहस्यमय इतिहास भी पाया जाता है भाई, रहस्यमय इतिहास आपको देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर आपको विशाल मूर्तियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी, विशाल मूर्तियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कहाँ है, ईस्टर द्वीप में। ओके, तो ये जगह नहीं, इधर लिख देते हैं ईस्टर द्वीप, ईस्टर द्वीप। ओके, जिसको पोलिनेशियन द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इसी ईस्टर द्वीप को क्या बोलते हैं, पोलिनेशियन द्वीप भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए आगे पेज पे लिख देते हैं, प्रमुख तथ्यों में ही हम लोग लिख रहे हैं, देखिए प्रमुख तथ्यों में हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो यहाँ पर, इनकी विशेषता देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे जो कैडर, कैडर क्या है, आपको शिकार करने वाला, मतलब जो शिकार करने वाला सबसे बड़ा पक्षी देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, पक्षी है, कैडर पक्षी यहाँ पर पाया जाता है, जो शिकार करने वाला सबसे विशाल पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम रिया की बात करें तो रिया है, इसकी विशेषता क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा बिना पंख वाला सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ये क्या है, बिना पंख वाला, बिना पंख वाला पक्षी है जो सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ता है। ओके, दौड़ सकता है, आप लोग इसको लिख लीजिए। ओके, ये क्या है, इस शिकार का सबसे बड़ा, शिकार का सबसे बड़ा पक्षी है, शिकार का सबसे बड़ा पक्षी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आर्मडिल्लो देखने को मिलेगा, आर्मडिल्लो होता है वो चींटी खाने वाला, यहाँ पर आपको एक पशु देखने को मिलेगा। देखिए कितनी अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, आर्मडिल्लो, आर्मडिल्लो क्या है, ये चींटी खाता है भाई, चींटी खा करके ही जिंदा रहता है। आप लोगों ने एनसीआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, 8th क्लास की शायद एनसीआरटी है, उसी में आर्मडिल्लो का पिक्चर भी दिखाया गया है। ओके, जब आप लोगों के लिए वनस्पति वो पढ़ा रहे होंगे, मतलब वहां पर आप लोगों ने देखा होगा वनस्पति वाला टॉपिक है, उसी में आर्मडिल्लो का आपको देखने को मिलेगा। ओके, चींटी खाने वाली, चींटी खाने वाली, ओके, चींटी खाने वाला क्या है, एक पशु आपको देखने को, जो चींटी खा करके जिंदा रहता है। हम लोग सोचते हैं यार चींटी खा कर कोई कैसे जिंदा रह सकता है, दांत के नीचे दब दब के रह जाएगी, तो एक क्या है, पशु है, लेकिन ये चींटी खा करके वही जिंदा रहता है। ओके, इसके अलावा आपको लामा देखने को मिलेगा, लामा क्या, एक ऊंट की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम लोग आते हैं अंटार्कटिका के ऊपर। ओके, हम लोग आते हैं अब अंटार्कटिका के ऊपर, जो कि हमारा 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप देखने को मिलेगा। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोगों के लिए बहुत मजा आ रहा होगा ना, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी यहाँ पर। ओके, तो देखिए अगर हम 5वें नंबर की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, जो 5वां हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज देख लेते हैं, और देखिए यहाँ पर ही हम सब कुछ आपको पढ़ा देंगे, इसके आगे आप लोगों के लिए अंटार्कटिका के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा वो सब यहाँ पर ही पढ़ा देंगे। ओके, तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अंटार्कटिका, अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात करें, देखिए यहाँ पर ही हम सारे फैक्ट्स हैं,
सारी विशेषताएं हैं इसकी, सब कुछ यहाँ पर लिखा देंगे। ओके, तो देखिए अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो ये आपको किधर देखने को मिलेगा, आपको ये साउथ पोल की तरफ आप लोग जाएंगे तो वहां पर आपको एक महाद्वीप देखने को मिलेगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये कितना बड़ा है, तो अगर हम जो यूरोप है और जो ऑस्ट्रेलिया है इन दोनों को मिला दें तो उससे जितना वो है तो लगभग में उतना ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो 9.2% भूभाग पर ये विस्तृत है, भूभाग पर ये विस्तृत है। ओके, इसका जो विस्तार है वो कितने पर है, इतने पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, या फिर इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, गतिशील महाद्वीप। ओके, गतिशील महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। गतिशील महाद्वीप क्यों है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इसकी बहुत बड़ी जो सतह होती है बर्फ की वो पिघल जाती है, और आप ठंड में देखने को मिलेगा कि वो फिर से जम जाती है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर तक की मोटी बर्फ की परतें जम जाती है, तो इसीलिए इसको गतिशील प्लैनेट नहीं महाद्वीप बोला जाता है, कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए एकमात्र ऐसा आपको महाद्वीप देखने को मिलेगा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप देखने को मिलेगा जहां पर शून्य आबादी पाई जाती है। ओके, ये नंबर एक अलग है, प्लस आपको देखने को मिलेगा कि ये शून्य आबादी वाला क्षेत्र है, महाद्वीप है, शून्य आबादी वाला महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है भाई। ओके, महाद्वीप यहाँ पर महाद्वीप देखने को मिलेगा। ओके ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो विश्व का जो ये क्षेत्र है ना, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र आपको यहाँ ही देखने को मिलेगा, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र देखने को मिलेगा, कौमा यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, हवाएं। और इसके अलावा ये जो महाद्वीप है वो आपको देखने को मिलेगा शुष्क है, यहाँ पर शुष्कता बहुत पाई जाती है, ड्राईनेस बहुत देखने को मिलेगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे यहाँ पर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ये जो तीसरा पॉइंट है आगे लिखाते हैं अंटार्कटिका के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण चीज भी है। जो अंटार्कटिका है इसकी खोज करने के लिए भाई जेम्स कुर्ग लिख ले, जेम्स कुर्ग क्या थे आपको लिख ले, ये अंटार्कटिका की खोज करने के लिए। चलिए आप लोगों के लिए बताते हैं, पहले यहां पर लिखा देते हैं फिर आप लोगों के लिए बताते हैं। तीसरा नंबर देखिए, फर्स्ट टाइम जो यहां पर पहुंचा था, जो व्यक्ति यहां पर पहुंचा था वो आपको देखने को मिलेगा रूस का व्यक्ति था, और 1920 में सबसे पहले पहुंचा, जिसका नाम मिखाइल और बफ फबेबियन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, क्या? मिखाइल बा फेबेबियन, ये दो नाभिक थे आपको देखने को मिलेगा। इस सबसे पहले जो अंटार्कटिका है अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर पहुंचे, कहां पहुंचे? मुख्य भूमि पर इस सबसे पहले पहुंचे, फर्स्ट टाइम पहुंचे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर, ये क्या है, पूरा महाद्वीप है भाई, उस पर ये लोग पहुंचे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा, तो देखिए फर्स्ट टाइम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे का एडम था, नॉर्वे का जो नाभिक था एडमसन, एडमसन आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए जो एडमसन थे, ओके, वो 1911 में पहुंचे थे भाई, कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई भारत का कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कौन व्यक्ति है जो भारत का यहां पर पहुंचा, इस महाद्वीप पर पहुंचा, तो आपको देखने को मिलेगा 1960 में सबसे पहले रामचरण जी थे, वो जो अटलांटिक है सॉरी अंटार्कटिका है वहां पर पहुंचे थे। ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। देखिए 1960 में हम सबसे पहले पहुंच गए,
अब यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो शोध केंद्र हैं वो भी लगाए थे। इस शोध केंद्र के बारे में आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना है और जो आपको काफी महत्वपूर्ण भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह हमारे पास कम है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें एक उसी के आगे का है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो नंबर एक आप लोगों के ध्यान रखना है कि पहला शोध केंद्र है, पहला अभियान है, मतलब फर्स्ट भारत का अभियान यहाँ जो गया था, भारत का जो अभियान अभियान यहाँ गया था वो 1982 ईस्वी में गया। कब गया? 1982 ईस्वी में यहाँ पर भारत का पहला अभियान गया। लेकिन 1960 में रामचरण है वो सबसे पहले वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन अभियान था वो कब गया? 1982 में गया। और फिर हमने 1982 में किसके नेतृत्व में गया आप लोग लिखना चाहते हैं, तो डॉक्टर डॉक्टर सैयद डॉक्टर सैयद जहूर कासिम कासिम के नेतृत्व में हमने पहला अपना अभियान 1982 में भेजा। और देखिए इनके नेतृत्व में अभियान भेजा, फिर हमने क्या किया, हमने यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पहला अपना शोध केंद्र, फर्स्ट शोध केंद्र, जो शोध केंद्र है वो अपना स्थापित किया। कब किया? 1883 में, 1883 मतलब एक साल के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अपना एक शोध केंद्र खोला जा करके, जिसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। तो पूछा जाए हमारा पहला शोध केंद्र है उसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी गंगोत्री हमारा पहला था, दक्षिणी गंगोत्री है मतलब इसको जाकर के इसकी स्थापना करी थी। लेकिन वर्तमान में अभी नहीं है, मतलब अभी समाप्त कर दिया गया है दक्षिणी गंगोत्री, बाद अब नहीं है। अच्छा दक्षिणी गंगोत्री है, इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था इसका स्थापित करने का? देखिए इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था लिख लीजिए यहाँ पर, इसका जो उद्देश्य था वो आपको देखने को मिलेगा कि इस महाद्वीप का, किस महाद्वीप का, इसी महाद्वीप का, इस महाद्वीप का अध्ययन, महाद्वीप का अध्ययन करना। ओके, कौन सा अध्ययन? जैसे इसकी संरचना हो गई, इसका जीवाश्म मतलब इसमें किस प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ की जो बर्फ वर्फ है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना। ये क्या था? इसके अध्ययन के लिए दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना की गई थी। हम देखिए यहाँ पर ही सब कुछ हमको पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हम अंटार्कटिका के बारे में और नहीं पढ़ाने वाले आगे, क्योंकि यहाँ इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है वो सब आपको लिखा दी जाएगी। दूसरा हमारा शोध केंद्र है जो स्थापित किया गया यहाँ पर, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरा अपना शोध केंद्र है वो यहाँ स्थापित किया गया था 1989 में, आपको देखने को मिलेगा मैत्री नाम से। तो मैत्री क्या था? हमारा दूसरा शोध केंद्र था, कहाँ? अंटार्कटिका में हमारा दूसरा शोध केंद्र था। अच्छा इसका उद्देश्य क्या था आपसे पूछ लिया जाए, चलिए इसका भी उद्देश्य आप लोग लिख लीजिए। इसका जो उद्देश्य था वो पर्यावरण विज्ञान है इस पर शोध करना, और साथ में जो भू विज्ञान है, जियोमॉर्फोलॉजी है, और जो एनवायरमेंट है उसका अध्ययन करने का उद्देश्य के, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैत्री शोध केंद्र है भारत के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। आप लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ पर बर्फ बर्फ में काहे अंदर है, अभी आपको बताएंगे यहाँ पर जो मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और इस जगह पर किसी देश का अधिकार नहीं है, और भारत अपना अधिकार नहीं दिखाएगा भाई, तो और देश अगर के यहाँ पर कब्जा कर लेंगे और यहाँ के संसाधनों का दोहन वो कर लेंगे अकेले, तो क्या है कि हमें भी अपने शोध केंद्र है वो भाई वहां पर चलाने हैं, जब बाद में बात आएगी तो हम भी क्या करेंगे उनका लाभ ले सकेंगे दोहन के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा शोध केंद्र हमारा, थर्ड थर्ड शोध केंद्र है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था 2012 में, यानी कि रिसेंटली ही ये स्थापित किया गया, यानी पहला वाला तो दक्षिणी गंगोत्री क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो 2012 में हमने भारती नामक, ओके कौन सा? भारती नामक एक शोध केंद्र है वो हमने स्थापित किया है यहाँ पर, ये अभी रिसेंटली में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किस स्थान पर किया?
स्थान भी लिख लीजिए, कभी कभार हो सकता है पूछ लेगा, तो आपको देखने को मिलेगा लार्समन हिल पर। हमने यहाँ पर जो लार्समन हिल्स है, मतलब एक पहाड़ी है, वहां पर हमने ये स्थापित किया है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है भाई? इस जो भारती नामक शोध केंद्र है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है जो समुद्र विज्ञान है, समुद्र विज्ञान। देखिए, इससे पहले था उसमें कौन सा था? पर्यावरण विज्ञान था, भू विज्ञान था, लेकिन इसमें समुद्र विज्ञान है, इसका अध्ययन करना। और आपको देखने को मिलेगा जो महाद्वीप है, तो महाद्वीप के टूटने की जो प्रक्रिया थी उसका भी अध्ययन करना। महाद्वीपों के टूटने की जो घटना थी, इसके अध्ययन करने के लिए भारती नामक 2012 में हमने एक केंद्र स्थापित किया। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये क्या है, इधर क्या है आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से अंटार्कटिका है। ओके, और इधर क्या देखने को मिलेगा आपको, इस तरह से आपको ये देखने को, कुछ इस तरह से आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ओके, अब देखिए, आपको ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट टाइम जो अंटार्कटिका की खोज करने के लिए निकला था वो जेम्स कुर्ग निकला था, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम इसको खोजने के लिए कौन गया था? जेम्स कुर्ग गया था, जेम्स कुर्ग गया था। ओके, इसने क्या किया? फर्स्ट प्रयास किया, प्रथम प्रयास किया। कहाँ जाने का भाई? अंटार्कटिका जाने का इसने प्रयास किया। देखिए जी, अंटार्कटिका जाता है बेचारा, लेकिन क्या कर जाता है बेचारा? भटक जाता है थोड़ा, ये भटक जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? एक ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। तो देखिए, ये खोज करने के लिए गया था अंटार्कटिका की, ओके सॉरी, अंटार्कटिका की खोज करने के लिए गया था, और पहुंच कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया बेचारा पहुंच गया, मतलब इधर इसे आना था, इधर की जगह कहाँ गया? थोड़ा सा बेचारा भटक गया और उसकी खोज नहीं कर पाया, और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी भाई। ऑस्ट्रेलिया की खोज, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कुर्ग ने की, जेम्स कुर्ग ने इसकी खोज की। क्या होता है ना कि मतलब प्रयास करना चाहिए, इससे एक चीज सिद्ध होती है, खाली बैठने से अच्छा है कि प्रयास करना, क्योंकि अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो हासिल होता है। इसी तरह से देखिए, आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा भारत की खोज। भारत कहाँ पर था? मतलब इधर आपको भारत इस तरह से देखने को मिलेगा, और भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले कौन निकला? कोलंबस निकला। भारत की खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए कौन निकला भाई? कोलंबस निकला। देखिए, भारत तो सभी लोग जानते थे, पहले वो क्या था? तुर्की वाला रीजन था, वो बंद हो गया था। तो आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका से नीचे से होते हुए, जिसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, वहां से होते हुए भारत की खोज करनी थी, क्योंकि जल मार्ग है वो नहीं पता था, तो इसके लिए कोलंबस भैया पहले लिख ले, तो कोलंबस है वो लिख ले। लेकिन कोलंबस है बेचारा, ये भारत नहीं आ पाया, लेकिन ये कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया भाई। कोलंबस ने किसकी खोज कर डाली? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली। किसकी खोज कर डाली? अमेरिका की खोज कर डाली। तो कोलंबस है वो बेचारा, अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी प्रयास किया, तो कुछ ना कुछ तो उसने हासिल किया, इतिहास में तो वो भी नाम कमा दिया। फिर आपको देखने को मिलेगा भारत में कौन सबसे पहले पहुंचा? बास्को डिगामा पहुंचा, बास्को डिगामा पहुंचा। देखिए, तो बास्को डिगामा पहुंच गया, वो क्या हो गया? माला माल हो गया। लेकिन सफलता, आप लोग भी ऐसे तैयारी करते हैं तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, करिए, खाली बैठने से अच्छा है कुछ करना, कुछ पढ़ना। देखिए, हम कल इसको पढ़ रहे थे थोड़ा सा, तो कल हमारे दिमाग में भी थोड़ा सा एक आ गया, मतलब क्या होता है ना कि आप लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। देखिए, बास्को डिगामा आपको देखने को मिलेगा, कोलंबस की जगह बास्को डिगामा भारत पहुंच गया, कोलंबस की जगह बास्को डिगामा भारत पहुंच गया, फिर वो माला माल हो गया, क्योंकि बास्को डिगामा जब भारत पहुंचा ना, तो उसने भारत की जो मसाले थे, वस्तुएं थी, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, और फिर वो उसी उसी चीजों को बेच करके वो कई ज्यादा गुना प्रॉफिट कमाया, और वो क्या हो गया? माला माल हो गया एकदम। जितने क्या कहते हैं, जितना उसका खर्च आया था उससे कई गुना ज्यादा उसने प्रॉफिट कमाया, वो क्या हो गया? माला माल हो गया, और कोलंबस बेचारा कंगाल हो गया। कोलंबस क्या पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया भाई, अमेरिका में जाकर के वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। तो
कोलंबस की जगह वास्को डिगामा भारत पहुंच गया, और वो तो मालामाल हो गया। कौन मालामाल हो गया? वास्को डिगामा मालामाल हो गया, लेकिन कोलंबस बेचारा कंगाल हो गया, लेकिन इतिहास में उसका भी तो नाम हो गया। देखिए क्या हुआ, इतिहास में तो उसका भी आज नाम हो गया, आज भी तो हम कोलंबस को पढ़ते हैं। भले ही वो भारत नहीं खोज पाया भाई, कोई बात नहीं, अमेरिका की खोज कर दी, आज उसका इतिहास के पन्नों में तो नाम हो गया। इसीलिए क्या है, आपको भी कार्य करना है। ओके, कार्य आपको भी करना है, मंजिल जरूर मिलेगी। कुछ सोचा है, लेकिन कुछ ना से तो कुछ ही सही है, तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको तो देखिए, खोज करने के लिए सबसे पहले कौन निकला? जेम्स कुर्ग निकला, लेकिन जेम्स कुर्ग भाई यहाँ नहीं पहुंचा, कहाँ पहुंच गया? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। तो इसी तरह से सबसे पहले यहाँ कौन पहुंचा भैया? मिखाइल पहुंचा, मिखाइल बा फेबेबियन। ओके, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। ओके, चलिए हम लोग आगे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं इसके बारे में। तो चौथा पॉइंट देखिए आपको लिखना है, तो विश्व का सबसे कम तापमान, देखिए विश्व का सबसे कम तापमान है वो यहां पर ही रिकॉर्ड किया गया। विश्व का सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान है वो यहां पर ही रिकॉर्ड किया गया। ओके, यहां पर ही रिकॉर्ड किया गया, वो कौन सा है? वोस्टोक आपको देखने को मिलेगा। वोस्टोक में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। कितना आपको देखने को मिलेगा? -85 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं पर 82 भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए डेटा में परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पर 82 दिखाता है, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, सबसे अधिक अफ्रीका में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, बात करें जहां पर मानव आबादी पाई जाती है, तो सबसे कम कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया? तो आपको रसिया वाले रीजन में, आपको एशिया में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है जो महत्वपूर्ण चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन देखिए, जहां पर न्यूनतम तापमान रहता है, विश्व का न्यूनतम तापमान जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, उसे बोलते हैं पोल ऑफ कोल्ड, पोल ऑफ कोल्ड। तो पोल ऑफ जो कोल्ड है वो कहाँ पाया जाता है? पोल ऑफ कोल्ड आपको यहां पर ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है, न्यूनतम तापमान रहता है। देखिए ये तो एक बार दर्ज किया गया है ना, सबसे कम, लेकिन जहां पर न्यूनतम तापमान रहता है आपको देखने को मिलेगा विश्व का, उसको बोलते हैं पोल ऑफ कोल्ड। और ये कहाँ पर है? आपको इसी महाद्वीप पर आपको देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका पर देखने को मिलेगा। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बारे में कुछ प्रमुख प्रमुख तत्व हैं वो भी लिखा देते हैं। देखिए ये तो सारी चीजें थी जो भाई तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अब कुछ प्रमुख तथ्य लिखा देते हैं, वो लिख लीजिए, क्योंकि जिसको आगे हम नहीं पढ़ाने वाले। तो आपको देखने को मिलेगा, नंबर एक आपको देखने को मिलेगा कि 98% भाग है वो इसका बर्फ से ढका रहता है, मतलब पूरा महाद्वीप है भाई वो बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ है यहाँ पर लगभग में 2 से 5 किलोमीटर मोटी आपको देखने को मिलेगी। आप समझ सकते हैं, 2 से 5 किलोमीटर मोटी यहाँ पर बर्फ की चादरें पाई जाती है। ओके, इतनी आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, ओके इसके एक्चुअली किलोमीटर यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, किलोमीटर है या मीटर है, एक्चुअली हमें किलोमीटर नहीं लग रहा है, यहाँ पर गलत भी हो सकता है ये वाला, कल हम आप लोगों के लिए बता देंगे मीटर है या किलोमीटर है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तटीय मैदान नहीं पाए जाते, तटीय मैदान नहीं पाए जाते, तटीय मैदान आपको नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर तटीय मैदान नहीं पाए जाते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2% हिस्सा इस महाद्वीप का है, 2% हिस्सा है जो गर्मियों के समय, मतलब ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के समय पिघल जाता है और वहां पर सतह दिखती है, और 98% हमेशा ढका रहता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो विदा है, यहाँ खारे पानी की झील देखने को मिलेगी। ओके, खारे पानी की झील देखने को मिलेगी, और ये भी क्या है, बर्फ से ही ढकी रहती है, ये भी क्या है, बर्फ से ढकी रहती है। और इसकी अगर हम लवणता की बात करें तो मृत सागर के समान यहाँ पर इसकी लवणता पाई जाती है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने को मिलेगा रानी मोल्ड रेंज है, मोल्ड रेंज आपको देखने को मिलेगा,
ये दो भागों में विभाजित करती है इस महाद्वीप को। ओके, तो ये क्या है, ये दो भागों में इस महाद्वीप को विभाजित करती है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि इसी रीजन में आपको कोयला भंडार बहुत ज्यादा देखने, कोयला भंडार बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ की इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आपको बीनस देखने को मिलेगी, माउंट बीनस मासिक। ओके सॉरी, माफिक है, मासिक नहीं होगा। ओके, माउंट बीनस जो मासिक है ये आपको देखने को मिलेगा, सबसे ऊंची चोटी है इस महाद्वीप की, सबसे ऊंची चोटी है इस महाद्वीप की। ओके, पूरी विश्व की मत समझ लीजिएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर छे छे माह का दिन और रात रहता है, छे छे माह का दिन रात देखने को मिलेगा, दिन रात यानी कि 6 महीने यहाँ दिन रहता है, 6 महीने यहाँ पर रात रहती है, कितनी बढ़िया बात है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर सरीसृप वर्ग नहीं पाए जाते, कौन सा नंबर है, 7वां नंबर, यहाँ पर सरीसृप वर्ग आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सरीसृप प्रजातियां होती हैं जो क्या करती हैं, ऐसे रेंगते हुए चलती हैं, जैसे कि सांप क्या है सरीसृप में आता है, तो यहाँ पर सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। सरीसृप जो जीव होते हैं, सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें पेंगुइन है। पेंगुइन क्या है, एक ध्रुवीय पक्षी, आप लोगों ने देखा होगा जो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर की आप लोगों ने पेंगुइन देखी होंगी, वो यहाँ पर पाई जाती है। और साथ में यहाँ पर कील मछली पाई जाती है और जो कि झुंड में रहती है। ओके, मछली पाई जाती है जो किस में रहती है, झुंड में रहना पसंद करती है, तापमान कम होता है, झुंड में रहती है, थोड़ी सी हीट इनको महसूस होती रहती है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे खनिज भंडार भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सोना बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, चांदी के भंडार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कोयले का भंडार भी पाया जाता है, इसके अलावा यहाँ पर कॉपर भी आपको देखने को मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, कॉपर भी आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मैग्नीज है, मैग्नीज है तो मैग्नीज के भंडार भी, और आपको यूरेनियम, ओके क्या यूरेनियम के भंडार में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, खनिज तत्व भी यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब यूरेनियम का भी भंडार पाया जाता है, भारत को यूरेनियम की आवश्यकता है, तो अन्य देशों पर उसको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इनसे यूरेनियम पर हम क्या रहते हैं, इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं यूरोप के ऊपर, बात कर लेते हैं। चलिए अभी देखिए वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, बस अब ज्यादा मिनट का नहीं बचा है, 10 से 15 मिनट का बचा है, पूरा खत्म हो जाएगा अभी। ओके, तो 6वें नंबर पे क्या आता है, यूरोप आता है, तो यूरोप के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं, यहाँ पर आपको 44 देश लगभग में देखने को मिलेंगे। ओके, देखिए इसका जो फर्स्ट टाइम इस शब्द का उपयोग किया था, मतलब यूरोप शब्द का फर्स्ट टाइम जो यूज किया था वो कौन था, होमरिक, कौन था, ओमरिक था। ओके, तो उसने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया। और इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोप में आपको लगभग में 44 देश देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से आपको 5 देश ऐसे हैं जो कॉमन कंट्रीज में आते हैं, तो 5 कौन कौन से देश हैं, आपको एक रूस देखने को मिलेगा जो यूरोप और एशिया में आता है, इसके अलावा आपको अर्मेनिया देखने को मिलेगा, ये भी सेम है भाई, दोनों में आता है, इसके अलावा अजरबैजान है, बेजान है, ये भी दोनों महाद्वीपों में आता है, इसके अलावा आपको जॉर्जिया देखने को मिलेगा, तो जो जॉर्जिया है ये भी दोनों में आता है, इसके अलावा जो तुर्की है ये भी क्या है, दोनों महाद्वीपों में आता है, कौन कौन से में, ये एशिया में भी पड़ता है, प्लस आपको देखने को मिलेगा कि ये यूरोप में भी पड़ता है, तो दोनों में एक कॉमन कंट्री पाई जाती है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये 5 कंट्री है, 5 देश ऐसे हैं जो इसमें, तो कभी कभार इसमें भी काउंट कर देते हैं, तो कुछ लोग इसकी जो संख्या है वो 49 भी कर देते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब भाई दोनों में आते तो क्या करा जाए, अब समस्या वाली बात होगी, कोई बात नहीं, आप लोगों को बता दिया तो कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम इसमें फैक्ट की बात करें तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो फ्रांस है, फ्रांस यहाँ पर सुंदरियों का देश माना जाता है, और यहाँ पर सैम्पियन भी सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अब देखो लड़कों की अब बारी है,
लड़के तो सोच रहे होंगे यार अब गोवा का जो ट्रिप है वो कैंसिल करें, गोवा की जगह आप कहाँ जाएंगे, फ्रांस में जाओ, सुंदरिया भी हैं और सैम्पियन भी मिलेगी। नहीं, थर्कियो आप थर्कियो मत बनो। ओके तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड के बारे में। अगर हम बताएं जो फिनलैंड है इसे झीलों की भूमि भी बोलते हैं, झीलों की भूमि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झीलों की भूमि बोलते हैं फिनलैंड को। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी जो रेल मार्ग आपको देखने को मिलेगी, रेल लाइन है जो सबसे लंबी है, उसका जो पश्चिमी प्लेटफॉर्म है वो कहाँ देखने को मिलेगा, यूरोप में ही देखने को मिलेगा। जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है इसका आपको जो पश्चिमी जो प्लेटफॉर्म है, पश्चिमी प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है, पीटर्सबर्ग में आपको देखने को मिलेगा, जो कहाँ है, यूरोप में पड़ता है। अब आप लोगों के लिए बताना है जो पूर्वी है ये कहाँ पर पड़ता है, ये आप लोगों के लिए सर्च करके बताना है। कुछ तो काम आप लोगों के लिए भी दिया जाए, बहुत आप लोग क्लियर हो चुके हैं, काम उम नहीं करते हैं आप लोग। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें जो पो नदी है उसे आपको इटली की गंगा के नाम से भी जानते हैं, जो पो नदी है उसे इटली की गंगा बोलते हैं, इटली की गंगा बोलते हैं। इटली की गंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक और साथ में आपको देखने को मिलेगा कीर्ति क्षेत्र से, जैसे भारत में गंगा रिवर है वो अपना सांस्कृतिक और साथ में जो आर्थिक महत्व रखती है, उसी तरह से ये पो रिवर है वो इटली में भी उसी तरह का सेम महत्व रखती है, इसलिए इसे इटली की गंगा भी बोलते हैं। ओके इसके अलावा अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो जो यूक्रेन है यूक्रेन में स्टेपी जो क्षेत्र पाया जाता है, स्टेपी क्या है, घास का मैदान है, इसी घास के मैदान की वजह से इसके लिए आपको देखने को मिलेगा दुनिया का ब्रेड भी बोला जाता है, दुनिया का या दुनिया की ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन काफी अच्छे से किया जाता है। ओके गेहूं के उत्पादन की वजह से इसको ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, तो यूक्रेन क्या है, दुनिया का ब्रेड बास्केट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो मास्को है, मास्को है उसे पांच समुद्रों का बंदरगाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, पांच समुद्रों का बंदरगाह मॉस्को में आपको देखने को मिलेगा, पांच सागर हैं। ओके कौन कौन से हैं इसके नाम आप लोगों के लिए बताने हैं, वैसे हम जब मैपिंग कराएंगे तो वहां पर हम भी कवर करा देंगे। ओके कमेंट देखिए करिए यार, थोड़ा सा सर्च वर्च करके आप लोग कमेंट करेंगे तभी थोड़ा सा मजा आता है। ये मत समझिएगा कि अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया हम क्यों करें, अरे कितनी अच्छी बात है आप पहल करेंगे, सबसे पहली कमेंट आपकी होगी, कितनी अच्छी बात है। ओके तो पहल तो किसी को करनी पड़ेगी ना, जैसे देखिए जेम्स कुक की तरह पहल तो कम से कम की उसने महाद्वीप में जाने के, लेकिन पहुंच गए दूसरे महाद्वीप पे, कोई बात नहीं। इसी तरह से आपको कोलंबस भी देखने को मिलेगा, भारत खोजने के लिए दूसरा महाद्वीप खोज दिए, अरे प्रयास तो करना पड़ेगा, प्रयास करिएगा आप लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपको देखने को मिलेगा इसे प्रायद्वीपों का, जो यूरोप है इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी बोलते हैं, प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी बोलते हैं। ओके इसके अलावा देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको देखने को मिलेगा, जो यूक्रेन है इसे रोटी की डलिया भी बोलते हैं, रोटी की डलिया भी बोलते हैं, जो अभी हम बताए थे ब्रेड बास्केट वही सेम चीज, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। ओके इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो इटली है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अंगूर व जैतून है इसकी खेती बहुत की जाती है, और एक कृषि प्रधान होने के कारण इसे यूरोप का भारत भी बोलते हैं, और यहाँ की जो पो नदी है उसे इटली की गंगा भी बोलते हैं। ओके यूरोप का भारत बोलते हैं, कृषि प्रधान होने की वजह से यूरोप का भारत बोलते हैं। ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्वे है, नॉर्वे है इसे मध्य रात्रि का सूर्य भी बोलते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में यहाँ पर मध्य रात्रि का सूर्य, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रात में 12-1 बजे भी देखेंगे तो सूर्य होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, इस वजह से ये चीज देखने को मिलेगी। ओके देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार है वो नॉर्वे में ही देखने को मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार है वो कहाँ स्थापित किया गया है, नॉर्वे में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 10वां पॉइंट है विश्व का
सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत, देखिए इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन ही है, 9,500 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूछा जाए भूमिगत मतलब नीचे भाई चलता है, टनल में जो चलती है, तो सबसे लंबा कहाँ देखने को मिलेगा, यूरोप में देखने को मिलेगा। सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग यहीं पाया जाता है, जो किसको जोड़ता है, जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है, लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लंदन से पेरिस को जोड़ने वाला सबसे लंबा भूमिगत रेल भी कहाँ है, यूरोप में है, जो किसको जोड़ता है, लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ओके, इसके अलावा अगर हम 11वें पॉइंट पर आए, अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं समस्या नहीं लेना, ये पीडीएफ हम लोग की मिल जाएगी, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस है, फ्रांस को लघु लघु यूरोप भी बोला जाता है, लघु यूरोप भी बोला जाता है। फ्रांस को क्या बोला जाता है, लघु यूरोप। क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि अगर हम इसकी भूमि देखें और प्लस इसकी जलवायु देखें, तो आपको भूमि और जलवायु के आधार पर फ्रांस को लघु हिमालय की संज्ञा दी जाती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो फ्रांस है, इसे किसानों का देश भी बोला जाता है, किसानों का देश भी इसको बोला जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, किसानों का देश है वो फ्रांस को बोला जाता है, और यूरोप का भारत है वो इटली को बोला जाता है, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी। और फ्रांस के लिए आपको देखने को मिलेगा समुद्रों की रानी भी बोलते हैं, समुद्रों की रानी भी बोलते हैं इसकी लोकेशन के अनुसार। और साथ में जो फ्रांस है भाई, ये सूरा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा सी सी हो गया, ए बी सी और ए डी होगा, और ये आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रांस है वो सैंपियन का सबसे बड़ा उत्पादक देखने को मिलेगा। सैंपियन क्या है भाई, सैंपियन शराब है, ओके, सैंपियन बहुत महंगा आता है। ओके, तो सैंपियन जो वो कहते हैं आज सैंपियन बोतल को लेके, हनी सिंह के जो गाने सुनते होंगे उन्हें पता होगा, तो सैंपियन है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा उत्पादन फ्रांस में सैंपियन का किया जाता है, और डीई और एफ है, तो एफ पॉइंट भी लिख लीजिए इसको, सुंदरियों का देश भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है, सुंदरियों का देश भी बोला जाता है। ये सब किसके बारे में थे, ये फ्रांस के बारे में सारी चीजें थी, कि किसानों का देश बोला जाता है, समुद्र की रानी भी बोला जाता है, यहाँ पर सूर्य का और साथ में सैंपियन का सबसे ज्यादा उत्पादन भी किया जाता है, इसे सुंदरियों की रानी बोला जाता है, और इसे लघु लघु यूरोप भी बोला जाता है। ओके, तो फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा अब लास्ट हमारा बचा है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं, बस उसको 2 मिनट में अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। आठवां आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया देखिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये जो महाद्वीप है ये 7वें नंबर पर आता है। ओके, इसके लिए प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं, प्यासी भूमि का, ओके, प्यासी भूमि का देश भी इसके लिए बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको लगभग में आपको 22 देश देखने को मिलेंगे। ओके, और वैसे 14 देश हैं, लेकिन सभी देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, पूरे के पूरे संप्रभु नहीं है, दूसरे देशों का उन पर आधिपत्य है, तो इसीलिए आपको कुछ लोग इसको 14 भी लिखते होंगे, तो आप लोगों के लिए एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, हम हर एक छोटी सी चीज भी आप लोगों के लिए बता देते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट की, तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी, आपको देखने को मिलेगा एबल एबल तस्मान बा जेम्स कुर्ग। अभी आप लोगों के लिए स्टोरी सुनाए थे, किसने, जेम्स कुर्ग ने, जेम्स कुर्ग ने इसकी खोज की थी। ओके, ये मकर रेखा है इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, मकर रेखा है वो इसके मध्य से गुजरती है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम इसके अलावा बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये ऊंट का सबसे बड़ा निर्यातक देखने को मिलेगा, ऊंट का सबसे बड़ा निर्यातक मतलब फर्स्ट नंबर पर आता है। 4था पॉइंट है यहाँ पर जो डार्लिंग, ओके, जो डार्लिंग की घाटी है, डार्लिंग की घाटी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कृषि है वो सबसे ज्यादा की जाती है, और जो क्षेत्र है वो भैया कैसा पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, वहां पर कृषि नहीं की जाती है, यही घाटी है जो कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध करा देती है, ये चीज आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको बता देते हैं, देखिए हमारा जो नया बैच है,
ये प्रारंभ हो गया है और इसकी अभी मार्केटिंग है वो भी अब स्टार्ट हो गई है। तो ये पैम्पलेट उम्पलेट है सब कुछ लगना प्रारंभ हो गया। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिर्फ 99 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। एक्चुअली ये हमारा टैब है, रुक नहीं रहा है, 1 सेकंड रुक जाइएगा, अभी आप लोगों के लिए बता देते हैं। ओके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। तो देखिए ये जो हमारा नया बैच है ये प्रारंभ हुआ है, इसमें फीस है वो 99 रुपए आपको प्रति माह देखने को मिलेगी। और अभी ज्योग्राफी से जो है वो चल रहा है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप है वो इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कर लें। अगर वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आप लोग सिर्फ 999 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स बाई कर सकते हैं। इसके लिए कोड है, उस कोड का अगर आप लोग यूज करेंगे, उसका कोड का नाम है RGSIR9, RGSIR9 कोड का आप लोग उपयोग करेंगे तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बम्पर डिस्काउंट दिया जाएगा 60% का, और आप लोग सिर्फ 999 रुपए में पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगी, क्लब आई एस असिस्टेंट, इसको जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग स्टोर पर आएंगे, स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर अचीवर बैच दिख रहा है, यही हमारा न्यू बैच है। और ये हमारा ओल्ड बैच चल रहा है जो सेकंड फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह जैसे अभी आप लोगों के लिए मैपिंग पढ़ाएं, इसी इससे भी अच्छी तरह से हम लोग सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। अभी सब कुछ नया है तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस हैं, हमारी ऐप के ऊपर ही चलती हैं 7 बजे से 9 बजे तक, और इसकी टाइमिंग भी हो सकता है चेंज कर दी जाए, आप लोग जैसा सुटेबल समझेंगे तो इसकी टाइमिंग भी आप चेंज कर देंगे, क्योंकि अब मौसम अच्छा होने लगा है तो हम किसी भी समय आप लोगों के लिए पढ़ा सकते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये सब कुछ आपको पढ़ा प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ 99 रुपीज में। यहाँ पर आपको डेली टास्क मिलता है, लाइव क्लासेस डेली है वो आपको मिलती है, इसके अलावा आपको सब कुछ A to Z दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, सपोर्ट हो गया, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाता है। ओके, तो चलिए आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर ही फिनिश कर देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा हो उसमें जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो अचीवर बैच है यहाँ पर डेमो वीडियो भी है, तो डेमो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो डेमो वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, और जो ये मैपिंग की सीरीज चल रही है ये डेली चलेगी 3 बजे, ओके 3 PM पर आप लोग आया करेंगे तो आप लोग डेली इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज वीडियो यहाँ पर ही फिर